You are welcome to my educational platform. Unique style of teaching is the name of the platform. O-level mathematics, basic angle properties पे videos का upload in process है. Question number one, given that AOC is a straight line, find the value of unknown in each of the following figures. पार्ट ए, ये वाला क्वेश्चन है. पार्ट ए में ए ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन. ये यहाँ पे तीन एंगल हैं, ये 38 है, सेकंड इज द एक्स, और ये चूंकि एंगल नहीं लिखा गया, साइन दिया गया है, इट इज अ राइट एंगल. तो स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को आप यूज करते हुए तीनों एंगल को आप सम अप करेंगे और इनका रिजल्ट होगा आपके पास 180. नाउ सी द वर्किंग. X plus 38 plus 90 is equal to 180. ये बेसिक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है. अब यहां पे x फाइंड करने के लिए आप 180 में से 90 और 38 को माइनस कर देंगे. देन x इज इक्वल टू 180 से 90 और 38 माइनस करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 52. 52 इज द वैल्यू ऑफ एक्स. यहां पे एंगल 52 होगा. अगर और स्मार्ट वे में इसको आप सॉल्व करना चाहें तो एक्स प्लस 38 इज इक्वल टू 90 भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि उसने स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था इसलिए मैंने तीनों एंगल को सम अप कर लिया है. स्ट्रेट लाइन जब भी किसी क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो तो कोशिश करें कि स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये स्मार्ट वे में इजीएस्ट आपके पास सॉल्यूशन बताता है. नेक्स्ट है पार्ट बी. एओसी इज अ स्ट्रेट लाइन और दो एंगल दिए गए हैं, 80 और 2x. 2x और 80 को आप सम अप कर लेंगे तो आपके पास इसका वैल्यू 180 के इक्वल हो जाएगा. ये देखिए 2x प्लस 80 इज इक्वल टू 180. नाउ 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 80 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और अगेन 2x इज इक्वल टू 100, और x 2 को दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो x विल बी 100 डिवाइड बाय 2, तो x विल बी 50. एक्स का आंसर आपके पास 50 आ जाएगा. अगर यहाँ पे आप एंगल फाइंड करना चाहें
यू कैन चेक के 250 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 100 और 80 को ऐड करेंगे तो 180, स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 ही होता है। देन पार्ट सी, दो एंगल दिए गए हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये इज अ स्ट्रेट लाइन, 2x प्लस 5x माइनस 9 विल मेक 180। इट इज 2x, इसको मैं फॉन्ट चेंज कर देता हूं, टू एक्स, चलिए इसका अभी चेंज मैं किया था लेकिन इसमें थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम है, अगेन मैं ट्राई करता हूँ, टू एक्स प्लस 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 180। 2x और 5x ऐड हो जाएंगे, इट विल बी 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 180। और नेक्स्ट स्टेप पे आप 9 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 180 में 9 जाके प्लस हो जाएगा, देन 7x इज इक्वल टू 189 और देन x इज इक्वल टू 189 डिवाइड बाय 7, तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 189 को 77 के साथ आप डिवाइड कर लेंगे, 27 विल बी द आंसर ऑफ x। अभी इसके अंदर कलर स्कीम और इसका फॉन्ट का चेंज कर लेते हैं, ये आपके पास इसका एडजस्टमेंट हो गया, x का आंसर आपके पास 27 आ गया। दोनों से एंगल को आपने सम अप किया तो रिजल्ट 180 था, सम अप किया क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल ऑल एंगल्स का सम 180 होता है, उसके बाद इनका सॉल्यूशन किया, x का आंसर हमारे पास 27 आ गया। पार्ट डी, दो एंगल्स दिए गए हैं और स्ट्रेट लाइन है AOC, दोनों एंगल का सम 180 होगा, इट विल बी 5x माइनस 23 प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 180। अब इसमें 5x और 7x हो जाएंगे आपके पास 12x और माइनस 23 और 13 को सबसे पहले आप सम अप कर लें, इट विल मेक 36 इज इक्वल टू 180। अब 12x इज इक्वल टू 180 प्लस 36 उसी तरफ जाएंगे तो नेगेटिव से ये प्लस हो जाएंगे, देन 12x इज इक्वल टू 180 में 36 आप ऐड कर लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा 216 और x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास x हो जाएगा x इज इक्वल टू 216 डिवाइडेड बाय 12, देन x
इज इक्वल टू 216 को 12 के साथ आप डिवाइड कर लेंगे, द आंसर इज 18 डिग्री। अभी इसका कलर स्कीम और उसमें फॉन्ट मैं आपको चेंज कर देता हूँ। ये देखिए दोनों एंगल को सम अप किया, आंसर 180 आ गया सम अप, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे एंगल थे। देन जो लाइक टर्म्स हैं 5x और 7x ऐड होकर 12x और -23 और -13 को ऐड कर लिया, इट विल मेक 36। और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर -36 को दूसरी दूसरी तरफ शिफ्ट किया, इट विल बी +36। 180 +36 विल मेक 216 और 12x था इसका इक्वल, तो हमने x का वैल्यू फाइंड करना है, 12 को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे तो x इज 18। ये x का आंसर आपके पास आ गया। पार्ट ई के अंदर तीन एंगल हैं 2x और 90 प्लस और 3x, आप करेंगे 2x प्लस 90 प्लस 3x इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व किया, 2x और 3x लाइक टर्म्स हैं, ये इट विल मेक 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। और 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90। उसके बाद 5x इज इक्वल टू 180 से 90 माइनस करेंगे तो आंसर आपको 90 मिलेगा। और अभी हमने x का वैल्यू फाइंड करना है, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 90 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे, आंसर विल बी 18। ये आपका x का आंसर आ गया है। ये दोबारा देख लीजिएगा 2x और यहाँ पे 90 एंगल है और देन ये 3x, तीनों एंगल को सम अप किया, 2x प्लस 90 प्लस 3x इज इक्वल टू 180। स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए 2x और 3x लाइक टर्म्स से उनको मैंने सम अप कर लिया, इट विल मेक 5x, 5x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। और 90 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो 180 में से 90 माइनस हो जाएंगे, इट विल मेक 90। और 5 को जाके डिवाइड कर लिया, देन x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 18 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट एफ, थ्री एंगल्स गिवन है 3x प्लस 4x प्लस 2x, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, AOC इज अ स्ट्रेट लाइन, तो 3x प्लस 4x प्लस 2x विल मेक 180। अब ये 3x 4x और 2x लाइक टर्म्स हैं, इट विल बी मेक 9x इज इक्वल टू 180। हमने x का वैल्यू फाइंड करना है, x विल बी 180 डिवाइड बाय 9, देन x इज इक्वल टू
20, एक्स का आंसर आपके पास 20 है। अकॉर्डिंगली इनकी कलर स्कीम और इसका फॉन्ट मैं चेंज कर रहा हूँ ऑन 36 और एक्स का आंसर आपके पास 20 डिग्री। थ्री एंगल थे, 3x + 4x + 2x 180, तीनों लाइक टर्म्स हैं, सम अप कर लिया इनको 9x हो गया, 9x = 180, 9 को दूसरी तरफ जाओ शिफ्ट डिवाइड कर दें तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 20। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर वन का, ये क्वेश्चन नंबर वन था बेसिक एंगल प्रॉपर्टीज में। ये वैसे ये डी टू की 7th एडिशन वर्कबुक से मैंने ये क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है और कोशिश की है कि इसमें मैंने ईच एंड एवरी स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए आपके लिए क्वेश्चन का सलूशन कर दूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका किसी किस्म का कोई क्यूरी हो तो आप मुझे चैनल में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके क्यूरी को रिप्लाई कर सकूं। मोर ओवर अगर आप ऑनलाइन टीचिंग सर्विसेज मेरी चाहते हैं तो उसके लिए मेरा सेल नंबर नोट कर लें 0321 5838 2 6 4। थैंक यू वेरी मच।